हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। वो प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का, ये वाटरमेलन जेल। तो आज इसी का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मैं क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एज अ मॉइस्चराइज़र जेल्स ही यूज़ करती हूँ। तो आजकल कुछ दिनों से मैं ये वाटरमेलन जेल यूज़ कर रही हूँ। तो गर्मियों में भी इसने बहुत अच्छा काम किया और अभी बारिश का मौसम है तब भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है, ये गोल्डन कलर के कैप में आता है, दिखने में बहुत ही प्यारा है। तो ये कुछ ऐसा इसका कंटेनर है और ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है जिसका MRP 175 रुपीज़ है। अगर अभी आप परचेज़ करते हैं तो ये आपको 123 रुपीज़ में मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते ही रहते हैं। इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको purple.com पे या purple ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं है, मतलब पैराबेन सल्फेट वगैरह कुछ भी नहीं है और 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। वाटरमेलन से मिलकर बना है तो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है क्योंकि वाटरमेलन में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। खासियत इसकी यह है कि ये सारे स्किन टाइप वालों को सूट करता है। जैसे मेरी स्किन ऑयली है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑयली स्किन पर ग्रीसी हो जाए या और ज़्यादा ऑयली स्किन को करे, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ऑयली स्किन के लिए भी हाइड्रेट बहुत अच्छे से करता है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप देख लेते हैं इसका टेक्सचर। तो इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल वाटरमेलन की तरह बिल्कुल लाल लाल है। खुशबू भी काफ़ी हद तक वाटरमेलन के जैसे ही है, काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। और इसको अप्लाई करके भी देख लेती हूँ तो स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप CTM रूटीन फॉलो करते हैं तो अपने क्लेंजिंग टोनिंग के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाइट में भी, दिन डे में भी, किसी भी टाइम इसको आप अप्लाई करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इसमें साफ साफ मेंशन है कि आप इसको सिर्फ स्किन पे ही नहीं बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बालों पे आप इसको एज अ हेयर मास्क लगा सकते हैं क्योंकि ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो बालों को भी बहुत अच्छे से नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा, बाल स्मूथ सिल्की और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक ठीक करता है। तो आपको इसको लगाना कैसे, आप बालों में एज अ हेयर मास्क लगा सकते हैं या आप जो भी हेयर मास्क लगाना पसंद करते हैं उसमें थोड़ा सा ये जेल मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही स्किन पर मैं इसको डायरेक्ट लगाती हूँ, पर आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद का एसेंशियल ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर अपने पसंद का जेल इसमें मिक्स करके इसको और ज़्यादा इसकी गुडनेस बढ़ा के इसको लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये स्किन रिलेटेड काफ़ी सारे इरिटेशन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, डलनेस को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये स्किन को और भी ज़्यादा फ्रेश करता है, रेडिएंट बनाता है और क्लियर करता है। बहुत अच्छे से ये स्किन को हाइड्रेट करता है। वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ ये स्किन को यंग बनाता है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम को कम करता है, सनबर्न में भी काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद होता है। आपका स्किन टाइप कोई भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके रिव्यूज़ पसंद आए और आपको ये जेल लगाना पसंद करते हैं और शायद से बहुत सारे लोग होंगे कि एलोवेरा जेल लगा लगा के मतलब बोर हो चुके हैं, कुछ नया चाहिए, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा काम करेगा। मतलब इसको आपको परचेज़ करके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला, सारे जेल्स ही बहुत अच्छे हैं। ये भी मेरा काफ़ी हद तक फेवरेट जेल है। मैं ऑलरेडी ऑरेंज जेल का रिव्यू कर चुकी हूँ तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।